फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूट्यूब वीडियोस को ऑटोमेटिक प्ले होने के चार तरीके। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो इख्तियार कर लेना है। आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है, आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरा हौसला बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने चैनल पर आ जाना और चैनल में जिस वीडियो को आपने शेयर करना हो सोशल मीडिया पर उसको क्लिक कर देना। तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर शेयर करना चाहता हूं, मैं इसको क्लिक करूंगा, ये वीडियो ओपन हो जाएगी मेरी। तो अब मैं इसे शेयर करता हूं। तो देखें, ये जो शेयर का बटन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक नहीं, अब यहाँ लिखा हुआ है एम्बेड, तो एम्बेड पर आपने क्लिक करना। और जैसे एम्बेड पर क्लिक करोगे तो ये यूआरएल भी आ जाएगा और इस तरह का वीडियो भी आ जाएगा, आपकी जो वीडियो है ये वहाँ पर भी इस तरह ही शो होगी। तो आपने ये जो नीचे कॉपी का बटन शो हो रहा है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, अब मैं फेसबुक पर जाता हूँ और फेसबुक पर ये मेरी आईडी ओपन हो चुकी है। ये देखिए, मेरी फेसबुक आईडी ओपन हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, जो आपने यूआरएल कॉपी किया उसे यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। इस तरह वीडियो ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आप इस यूआरएल को डिलीट भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब आपने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपकी वीडियो देखें और उसे शेयर करें और अब सब्सक्राइब भी करें आपके चैनल को। जो कुछ फ्रेंड्स आपने लिखना ऊपर लिख देना और उसके बाद नीचे पोस्ट का बटन है तो आपने वहां पर आकर क्लिक करना है। यहां से आप अपने दूसरे दोस्तों को टैग भी कर सकते हैं, जिस दोस्त को टैग करोगे उसके जो भी फ्रेंड्स होंगे जो आपकी वीडियो होगी उनके पास भी लाजमी जाएगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पोस्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पोस्ट करोगे, ये देखें दोस्तों, ये आप लोगों की जो मेरी जो वीडियो है ना ये ओपन हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये यहाँ पर देखें, ये फेसबुक पर ही चल रही है, ये ना समझे कि यूट्यूब पर है, ये वहीं पर ही ओपन हो जाएगी। जो जो बंदा भी उस पर क्लिक करेगा तो वहीं फेसबुक पर ही ओपन होगी, ये यूट्यूब पर ओपन नहीं होगी। देखें, यूट्यूब का कोई कुछ नहीं आ रहा ऑप्शन। ये आपके व्यू भी बढ़ेंगे और आप लोगों के जो वॉच टाइम है वो भी ज़्यादा होगा और डायरेक्ट लोग फेसबुक से आप लोगों की वीडियो देख सकेंगे। तो अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जो ऑटो प्ले होगा फेसबुक पर। आप लोग जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करोगे वो ऑटोमेटिक आपकी फेसबुक आईडी पर आ जाएगी। तो आप देखें, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ सर्च में यूट्यूब YouTube टैब लिखकर इसे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है और YouTube टैब ओपन हो जाएगा। ये देखिए, YouTube टैब ओपन हो गया इस तरह का वाला, जहाँ पर पब्लिशर लिखा हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे फॉलो कर देना है। फॉलो करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखें ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है यूज ऐप, तो आपने यूज ऐप पर क्लिक करना है। यूज ऐप पर क्लिक करोगे तो एक और टैब ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप एक तरफ देखें फेसबुक पेज लिखा हुआ है, तो जो आप लोगों का फेसबुक पेज
फेसबुक पेज बना हुआ हो तो आपने उसी फेसबुक, ये देखिए मेरे पास दो फेसबुक पेज हैं, ये जो मेरा पहला फेसबुक पेज है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये देखिए यस का निशान आ गया। अब मैंने करना है ऐड पेज टैब, ये एक किस्म का टैब है। तो अब देखें यहाँ पर आपने कुछ वेट करना है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी आपका जो, ये देखें फेसबुक ओपन हो गई। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर इस तरह का टैब ओपन हो गया। तो आपने क्या करना है, जो ये जगह है ना आप लोग यूर यूट्यूब चैनल आईडी और प्लेलिस्ट आईडी, तो आपने यहाँ पर इसे ख़त्म कर देना है और यहाँ आकर आपने पेस्ट करना है। तो मैं अब जाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब पर चैनल पर जाकर आपने क्या करना है, यहाँ से वैसे ये देखें ऊपर यूआरएल ये लिखा हुआ है, आपने यहाँ से भी यूआरएल कॉपी कर लेना है। वैसे आसान रहेगा, आप यूट्यूब स्टूडियो पर जाना, वहाँ से ये सामने आ जाएगा आप लोगों के सामने। ये ऊपर देखें ये जो लास्ट में जो ये स्लैश के बाद जो लास्ट में जो है ना, ये आप लोगों का चैनल का यूआरएल है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसी को ही कॉपी करना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद ये कॉपी हो जाएगा। और मैं फेसबुक पर जाता हूँ, फेसबुक पर जाकर यहाँ, तो आपने यहाँ आकर इसे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना है। देखना ये जो जो मेरी वीडियो है, ये पीछे ये जो जो मेरे चैनल की जो वीडियो है वो सारी की सारी वहाँ पर आ जाएंगी और ऑटो प्ले होंगी, ये जो वीडियो है मेरी सारी वहाँ पर आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आप लोगों का यूट्यूब चैनल फेसबुक पर ऑटो प्ले हो जाएगा। देखें ये पूरी की पूरी वीडियो में सारी की सारी मेरी जो YouTube चैनल पर जो वीडियो थी वो सारी की सारी यहाँ आ चुकी है। देखें दोस्तों ये यहाँ पर ये Facebook चैनल पर ही ओपन हो गई, ये देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये ओपन हो गई। देखो दोस्तों इस तरह का इस तरह ऑटो प्ले हुई है। तो आपने क्या करना है, अब ये जो टैब आपका जो यूट्यूब का जो ये नीचे टैब है इसे आपने यहाँ होम के साथ लगाना है। तो आप इसके लिए मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, मेरी वीडियो को लाजमी आगे तक देखना और मैं सारे के सारे तरीके एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों मेरा दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो मेरा ये तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने ये न्यू टैब ओपन हो जाएगी। न्यू टैब में आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखवा है टेम्पलेट्स एंड टैब्स, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। एक और न्यू टैब ओपन हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर पेज को स्क्रॉल नीचे कर देना है और नीचे आओगे तो यहाँ पर नीचे नीचे यहाँ पर ये देखिए YouTube है। तो आपने क्या करना है, यहाँ जो थ्री डॉट्स को है यहाँ पर क्लिक करना है, इसे ऊपर ले जाना है। तो इस पर अपने माउस को क्लिक करके होल्ड किए हुए उंगली को होल्ड किए रखना और ऊपर ले जाना, मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए अभी भी इससे ज़रा ऊपर कर लेना है होम, इसे पहले पहले पेज पर ले आना है। तो ये देखें ये देखो दोस्तों ये ऊपर ऊपर आ चुकी है। इसके बाद आप अपने कुछ नहीं करना, अब आपने क्या करना है इसे रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने पेज पर जाना है और पेज पर देखोगे कि आपका जो यूट्यूब है वो यूट्यूब का टैब है वो ऊपर ऊपर होगा, ये देखें ये ऊपर ऊपर है। तो आप जैसे ही YouTube पर आप लोग जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं वो जैसे ही आपके होम पेज पर आएंगे और YouTube पर क्लिक करेंगे या ये ऑटोमेटिक आप लोगों की जो वीडियोस हैं वो ओपन हो जाएंगी। ये देखें ये सारी की सारी मेरी वीडियोस यहाँ आ चुकी हैं।
यूट्यूब टैब पर, तो यहाँ पर यहीं से ही प्लेएबल होंगी। दोस्तों दूसरा तरीका ये था, ये मेरा तरीका आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि इससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। तो मेरा तीसरा तरीका ये है कि आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपने लिखना है YT2FB। यहाँ पर आकर आपने सर्च बटन पर ओके कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा नीचे दूसरे टैब पर YTFB in YouTube to Facebook convert, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इसका मैं URL अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप यहाँ आओगे तो आपने क्या करना है, अपने वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से मैं Ctrl+V करता हूँ। Ctrl+V करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ उस लिंक वीडियो पर, यहाँ पर मैं आता हूँ इस वेबसाइट पर। तो यहाँ पर अब मैं Ctrl+V करता हूँ। जैसे Ctrl+V करता हूँ ये देखें ये कन्वर्ट हो गया है, ये FB में कन्वर्ट हो गया। तो आपने यहाँ से कॉपी के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका URL कॉपी हो जाएगा। तो आपने क्या करना है दोस्तों, फेसबुक पेज पर जाना है जहाँ पर ये लिखा हुआ है व्हाट्स ऑन योर माइंड। तो आपने यहाँ आकर उसे Ctrl+V दबाता हूँ, ये पेस्ट हो जाएगा और नीचे ओपन हो जाएगा। आप देखना कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, वैसे कभी कभी फौरन ही हो जाता है। ये देखें हो गया है, ये देखें प्ले का बटन भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। अगर आप चाहें तो इसे ख़त्म भी कर सकते हो ऊपर वाले URL को। और आप यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आकर पोस्ट पर क्लिक कर देना है। देखो दोस्तों मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरा यूट्यूब चैनल व्यूज़ भी यहां से बढ़ेंगे मेरे और वॉच टाइम भी बढ़ेगा। ये देखिए टैब दूसरा होगा, देखिए है फेसबुक का, ये देखिए सब कोई फेसबुक का मोबाइल पर आराम से ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों देखा आपने, प्रूफ देख लिया। इसके बावजूद अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक लाजमी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को चौथा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपकी जो वीडियो है वो फेसबुक पर कैसे प्लेएबल होगी और यूट्यूब पर भी कैसे प्लेएबल होगी। तो आपने क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में आपने लिखना है क्रिएट youtube.com। तो आपने इंटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के पास इस तरह का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो आप लोगों की वीडियो हो आपने वहीं पर जाकर उसे क्या करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी दूसरी वीडियो को शेयर करता हूँ। ये देखिए ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मेरी दूसरी वीडियो है। तो मैं इसका ये मेरी वीडियो ओपन हो चुकी है।
तो अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जो ऊपर URL दिया गया है ना, इसे आपने कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी करता हूँ, ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं उसी वेबसाइट पर आता हूँ, यहाँ जो जिस जहाँ पर लिखा है प्लीज़ यूट्यूब वीडियो URL, तो आपने यहाँ पर कंट्रोल वी दबा देना है और क्रिएट URL पर क्लिक कर देना। तो देखो, देखिए फ्रेंड्स मेरा URL कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी शेयर करता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉपी करूँगा अपने इस URL को। ये कॉपी हो गया, अब मैं अपने फेसबुक पेज पर जाऊँगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है व्हाट्स ऑन योर माइंड, यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी दबाऊँगा, ये पेस्ट हो गया। और नीचे फिचिंग प्रीव्यू ज़ाहिर हो रहा है। ये देखें फ्रेंड्स मेरे जो मैंने URL कॉपी किया वो यहाँ पर आ चुका है, ये देखें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही कोई आप लोगों का फ्रेंड्स जो होगा आपके फेसबुक पर, वो इस पर क्लिक करेगा तो एक दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। दूसरे टैब में वो डायरेक्ट ही आपके फेसबुक आईडी पर ही वो आप लोगों का जो चैनल है उसे वॉच कर लेगा। ये देखें क्रिएट यूट्यूब की अपनी एक वेबसाइट है, उसी के ज़रिए से ही आप लोगों के व्यूज़ बढ़ेंगे और आप लोगों का चैनल भी रैंक होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरा तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो फ्रेंड्स आपने देखा, आप लोगों को मैंने चार तरीके बताए हैं अपने यूट्यूब वीडियो को फेसबुक के आईडी पर प्लेएबल, ऑटो प्लेएबल बनाने के लिए। तो ये देखें मैंने चारों तरीके यहां पर किए हैं, ये देखें। तो आपने क्या करना है, इस तरह के आपको जो तरीका अच्छा लगो, तो फ्रेंड्स आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका इख्तियार कर लेना। इस तरह अपनी वीडियो को अपनी फेसबुक पर शेयर करना, जिससे आप लोगों के व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आप लोगों का वॉच टाइम भी ज़्यादा होगा। तो आपने वहां से अपने दोस्तों को इनवाइट भी करना है अपने फेसबुक, तो आपने अपने दोस्तों को वहाँ से इन्वाइट भी करना है ताकि वो आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर आएँ और आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों का चैनल रैंक हो। तो शुक्रिया दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और लाइक भी लाजमी करना। शुक्रिया।